नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मधुर त्यागी और आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग स्टेप्स। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एफिलिएट मार्केटिंग में नीश कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपने इस नीश के बारे में बहुत जगह पे सुना होगा कि आपको एक पर्टिकुलर नीश पकड़ के चलना है एफिलिएट मार्केटिंग में, और जब ही आप पैसा कमा पाएंगे एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। तो आज की वीडियो इसी के बारे में है कि आप नीश सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि अगर हम कोई एफिलिएट की वेबसाइट बनाएं, उसकी सर्चेज बहुत ज़्यादा हों और एसईओ के रेफरेंस से भी उस पर काफ़ी सर्चेज आएँ, और कोई भी प्रोडक्ट हम उस पर डालें तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्च करें। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप अमेज़ोन पर एफिलिएट से स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आपको पता है कि अमेज़ोन बेस्ट प्लेटफॉर्म है एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए अगर आप बिगनर हैं तो, और उसके बाद आप धीरे धीरे कोई भी एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जैसे कि आपको एक्सपीरियंस होता रहता है। और एफिलिएट प्रोग्राम मैंने आपको कल की वीडियो में बताई दिए थे कि बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम कौन से हैं। दोस्तों, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जो पहला प्लेटफॉर्म होता है स्टार्ट करने के लिए वो अमेज़ोन ही होता है एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट करने के लिए। मैंने भी यहीं से एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी थी, और धीरे धीरे आप फिर आगे दूसरे एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जैसे कि जेवीज़ू, होस्टगेटर और ऐसे बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है अगर आप अमेज़ोन का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको अमेज़ोन पे जाना है सबसे पहले और सर्च बार में टाइप करना है बेस्ट सेलर्स। तो आप चाहे किसी भी चीज में अपना नीशे चूज कर रहे हैं तो आपको बेस्ट सेलर में यहाँ पे काफी सारे आइडियाज मिल जाएंगे कि जैसे किड्स का नीशे चूज करते हैं बुक्स के लिए तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे नीशेज है जो आपको यहाँ पे दिख जाए, जैसे कि आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं। तो अमेज़ोन आपको सारी कैटेगरी दिखा देगा जो कि आप नीशे के तौर पे चूज कर सकते हैं अपने एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट के लिए, जो कि स्टार्ट होती है बुक्स से, क्लोथिंग एसेसरीज से, होम किचन से, ज्वेलरी से, और ऐसी बहुत सारे आइटम हैं जो कि आप एज अ नीशे अपनी एफिलिएट के लिए चुन सकते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नीशे वो चुनिए जिसपे आपको ज्यादा से ज्यादा कमीशन मिले। जैसे कि अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको होम एंड किचन सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इस पे आपको पूरा 10% का कमीशन मिलता है अमेज़ोन की तरफ से। तो आपको होम एंड किचन पे जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको ऊपर सर्च बार में टाइप करना है बेस्ट सेलर इन होम एंड किचन। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे अमेज़ोन हमको बेस्ट सेलर दिखा देगा जो कि इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट हैं अमेज़ोन के ऊपर। तो जैसे ही आप ये सर्च बार में टाइप करेंगे तो आपके आगे काफी ऐसे प्रोडक्ट आ जाएंगे जो अमेज़ोन आपको दिखाएगा जो कि अच्छे बिक रहे हैं अमेज़ोन के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे ही आप प्रोडक्ट कोई भी चूज करें तो मेरे हिसाब से आपको ऐसा प्रोडक्ट चूज करना चाहिए जिसकी वैल्यू 1000 या 1500 रुपए से ऊपर हो, जब भी आपको कोई कमीशन बसती हुई दिखाई देगी एफिलिएट मार्केटिंग में। अब जैसे कि कोई गूगल पे सर्च करता है बेस्ट हैंड मिक्सर इन इंडिया, तो आपको एक वेबसाइट बनानी है जिसपे आप रिव्यूज डाल सकते हैं हैंड मिक्सर के बारे में, क्योंकि कस्टमर जो सर्च टर्म यूज कर रहा है उससे हमें उसका इंटेंट पता चल रहा है कि वो बाइंग मोड में है, वो सर्चिंग मोड में नहीं है, वो उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है। तो अगर आप कोई भी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट उठा के उसके अच्छे रिव्यूज लिखते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, जैसे कि ये हैंड मिक्सर है जो कि बेस्ट सेलर है अमेज़ोन पे, आप इसको उठा के अपनी वेबसाइट पे डालते हैं और इसके बारे में रिव्यूज डालते हैं प्रोज एंड कॉन्स दोनों, तो जो भी कस्टमर आएगा वो सर्च टर्म टाइप करके वो बाइंग मोड में है, तो जो उसकी परसेंटेज है खरीदने की वो काफी ज्यादा है। दोस्तों, सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो अगर कोई भी पर्सन कोई भी चीज सर्च कर रहा है जो कि जिसकी इसको नीड है और वो आप उस तक पहुंचा देते हैं, जैसे कि आप रिव्यूज के थ्रू उस तक कोई भी चीज पहुंचा देते हैं जो कि डिमांड में है, तो एक आपकी परसेंटेज बढ़ जाती है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसा कमा सकते हैं, और चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि जो भी पर्सन उस चीज के बारे में सर्च कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे अब मैंने आपको मिक्सर का एग्जांपल दिया, वो पर्सन आपकी वेबसाइट पे लैंड कर जाए और आपने वहां पे लिंक भी डाला हुआ है इस प्रोडक्ट का अपने एफिलिएट का, तो आपके चांसेस बढ़ गए कि आपने आपके थ्रू वो जाके अमेज़ोन से इस प्रोडक्ट को खरीद ले। तो अब आपके चांसेस बढ़ गए कि कोई भी बंदा हैंड मिक्सर सर्च करके आपकी वेबसाइट पे आया तो वो अमेज़ोन पे जाके इसको खरीद सकता है। तो मान लो कि अगर उसने ये हैंड मिक्सर
आपकी वेबसाइट के थ्रू जाके अमेजोन पे गया और उसने इस हैंड मिक्सर को नहीं खरीदा, और कोई और चीज उसने देखी और वो कोई और चीज उसने खरीद ली, तो दोस्तों आपको उसका भी कमीशन अमेजोन देगा। तो ये सबसे अच्छी बात है अमेजोन के एसोसिएट प्रोग्राम के बारे में। कोई भी कस्टमर आपके लिंक के थ्रू अमेजोन पे आता है और वो उस प्रोडक्ट को ना खरीद के उसकी बजाय कोई दूसरे प्रोडक्ट को खरीद लेता है, तो आपको अमेजोन उसका भी कमीशन देगा। दोस्तों जब भी आप कोई प्रोडक्ट आपको चूज करना हो, कोई भी नीश चूज करना हो, तो उसको ये एक बेस्ट सेलर बहुत अच्छा तरीका है अमेजोन पे, जिससे आप अपनी प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। अमेजोन ये बेस्ट सेलर्स की सूची जारी करता है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि अमेजोन पे सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन सा है। तो आपके लिए आसान हो जाता है कि आप जो भी सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, आपको एक आइडिया हो जाता है कि ये डिमांड में है बहुत ज्यादा प्रोडक्ट और बहुत ज्यादा बिक रहा है। और आप अगर उसी के बारे में लिखेंगे और उसी के रिव्यूज डालेंगे, तो एक प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है कि आप सर्च टर्म में फाइंड हो जाएंगे और कस्टमर आपकी वेबसाइट पर लैंड कर जाएगा जहां पे आपने उस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज डाले होंगे। अब बेस्ट सेलर्स डालने के बाद आपको एक और तरीका है, जिससे आप स्टार रेटिंग के जरिए भी फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट डिमांड में है। तो आपको ये भी देखना है कि स्टार रेटिंग कौन से प्रोडक्ट को कितनी मिली हुई है। इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये असल में कितना अच्छा है और लोग इसको कितना पसंद कर रहे हैं। तो जैसे कि ये आप स्टार रेटिंग में नीचे देख सकते हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको उसके बारे में पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली वो प्रोडक्ट कितना अच्छा कर रहा है और उसको कितनी स्टार रेटिंग पब्लिक ने दी हुई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कस्टमर के रिव्यू के हिसाब से इसको 66% के 5-स्टार रेटिंग, 26% की 4-स्टार रेटिंग मिली है। तो ये प्रोडक्ट काफी अच्छा कर रहा है दोस्तों, और अमेजोन की बेस्ट सेलर लिस्ट में ये नंबर 1 पे है। तो अगर हम इस प्रोडक्ट को चूज करते हैं तो ये काफी अच्छा ऑप्शन होगा दोस्तों। तो आप जब भी अपनी वेबसाइट के लिए सोच रहे हो कि क्या नीशे हो, तो आपको पर्टिकुलरली एक नीशे को पकड़ के चलना है। अब जैसे कि ये हैंड मिक्सर है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप पर्टिकुलरली जब भी अपने वेबसाइट का डोमेन नेम खरीदने जाएं, तो अपने डोमेन नेम इस हैंड मिक्सर के नाम से ही खरीदें। तो एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आपकी जो वेबसाइट है वो एक नीशे वेबसाइट है, सर्चिज में भी आपकी वेबसाइट बढ़ जाएगी और लोग आपकी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा आएंगे। तो अगर हैंड मिक्सर आपके डोमेन नेम में होगा तो आपको कितने बेनिफिट मिल सकते हैं इस चीज से, आप इस चीज को खुश हो सकते हो। अगर आपको ज़्यादा आइडिया लेना है कि लोग इस पे हैंड मिक्सर पे कैसे काम कर रहे होंगे इस कीवर्ड के ऊपर और इसकी कितनी सर्चेज हैं, तो इसको यहाँ से उठा के आप सीधा google.com पे डालिए, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी सर्चेज हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 4400 इसकी सर्चेज हैं। तो ये एक प्रोडक्ट है जो कि डिमांड में है, जिसको आप चूज़ कर सकते हैं। आप नीचे आएंगे, जैसे कि ये एक वेबसाइट है bestadvisor.in। अब इन्होंने ये प्रोडक्ट डाले हुए हैं हैंड मिक्सर के, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इन्होंने रिव्यूज डाले हुए हैं 5 प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर से उठा के, जिसके प्रोज और कॉन्स और वर्डिक्ट इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे अमेजोन का लिंक लगा हुआ है। तो कोई भी इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करेगा तो वो सीधा उस प्रोडक्ट पे पहुंच जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आप अमेजोन एफिलिएट के थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं जैसे कि मैंने जो आपको स्ट्रेटेजी बताई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।